The next question is, BO and CO are respectively the bisector of angle B and C of triangle ABC. AO produced meets BC at point P, so that ठीक है, there are four options are given. हमें ये प्रूव करने हैं, ठीक है, फोर के फोर ऑप्शंस हमें प्रूव करने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को प्रूव करते हैं. देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी पी, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये हमें क्या है, गिवन है. अगर ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, नाउ वी कैन अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. थ्योरम सेज दैट एओ अपॉन ओपी इक्वल टू ए बी अपॉन, और बी ए भी लिख सकते हैं हम इसको, बी पी. ठीक है, यहाँ पर बी ए लिखना ज़्यादा सही है. ठीक है, ये कैसे हुआ, एंगल बाई सेक्टर. ठीक है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम से. ठीक है ना, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. यानी फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया है. ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट के लिए देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है, बी वहां पर हमारे पास बी ओ था, यहां पर क्या है, ओ सी, एंगल इज द एंगल बाई सेक्टर. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, बाई सेक्टर है. ठीक है, किसका, एंगल सी का. ठीक है, नाउ अप्लाई द एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, ओ ए अपॉन ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी सी. ठीक है, देखो ध्यान से, ए सी को पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी भी लिख सकते हैं, और हमें वही प्रूव करना था. देखो ध्यान से, ए को ए ओ अपॉन ओ पी इक्वल टू ए सी अपॉन सी पी. ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया है. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को. नाउ इंट्रेंगल, इंट्रेंगल ए बी सी बाय यूजिंग फर्स्ट एंड द सेकंड ऑप्शन. हमारे पास देखो एलएचएस दोनों की क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास वहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू ए सी अपॉन सी पी. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को. देखो थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन ए सी. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी पी अपॉन सी पी. और हम देख सकते हैं कि हमें यही पार्ट क्या करना था, प्रूव. यहाँ सी पी को क्या ये लिख सकते हैं, पी सी. अगेन हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, सी पी को पी सी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, हमारे तीन पार्ट प्रूव हो चुके हैं. नाउ लेट्स कम ऑन द फोर्थ पार्ट. देखो ध्यान से, फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, अगर ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास. देखो जो हमने लास्ट रिजल्ट था, यानी थर्ड रिजल्ट को यूज करते हैं, ए बी अपॉन ए सी एंड बी पी अपॉन पी सी. इट मीन्स ए पी इज द एंगल बाइसेक्टर बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल ए और कैन से एंगल बी ए सी. देखो फोर्थ के लिए हमने डायरेक्टली थर्ड रिजल्ट का यूज किया, जो हमने थर्ड में प्रूव किया था, और द कन्वर्स ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया है. ठीक है, यही तो हम अप्लाई कर रहे थे. देखो फर्स्ट में कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो, और रेशियो है तो एंगल बाइसेक्टर.
आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। बस फोर्थ ऑप्शन में हमें इसको लिखना होगा थर्ड ऑप्शन को, देन डायरेक्टली लिख सकते हैं एपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है,